subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर के शर्मा के ऊपर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए AHDP सेकेंड ईयर वालों के लिए न्यूट्रिशन का, जिसे कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था चारे का संरक्षण वाला। आज अपना नया चैप्टर आता है खाद्य मानक, तो सबसे पहले बात करते हैं खाद्य मानक की। खाद्य मानक क्या होता है? किस प्रकार से उपयोगी होता है, इसकी अपन को आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं खाद्य मानक की। तो खाद्य मानक क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई तालिका, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई तालिका जिसका उपयोग पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिलाने हेतु करता है। कहने का मतलब है, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई तालिका जिसका उपयोग पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिलाने हेतु करता है, उसे क्या बोलते हैं? खाद्य मानक कहते हैं। उसे खाद्य मानक कहा जाता है। कहने का मतलब है, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई तालिका जिसका उपयोग पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिलाने हेतु करता है, उसे खाद्य मानक है। कहने का मतलब, विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आपस में मिलकर एक तालिका है, एक बुक है जिसको तैयार किया है। उस बुक है जो तालिका, उसमें यह लिखा गया है, इस पशु को प्रतिदिन इतनी चारे की आवश्यकता पड़ती है। गाभिन पशु के लिए अलग है, हिपर के लिए अलग है, नवजात के अलग है, जो प्रसव क्रिया हो गई उसके लिए अलग। मतलब अलग अलग प्रकार के पशुओं के लिए अलग अलग प्रकार से आहार का निर्धारण किया गया। निर्धारण की बात करें तो इस पशु को एक दिन में इतना चारा अपन को देना चाहिए। अगर पशुपालक खाद्य मानक का उपयोग नहीं करता है तो उसकी आर्थिक हानि होती है, आर्थिक नुकसान होता है। उसको पता नहीं चल पाता है कि अपने पशु को कितना चारा खिलाना चाहिए, जबकि खाद्य मानक की सहायता से अपन लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस पशु को इतने चारे की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई तालिका जिसमें पशुओं को दिए जाने वाले आहार की मात्रा का निर्धारण किया जाता है, यह खाद्य मानक होती है। जो तालिका होती है अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। जैसे अपन बात करते हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई अलग अलग होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं खाद्य मानक के लाभ क्या हो गए। तो सबसे पहला तो यही लाभ हो गया कि खाद्य मानक की सहायता से पशुओं को आहार उपलब्ध करवाने में सहायता होती है। सबसे पहला लाभ तो यही हो गया खाद्य मानक की सहायता से पशुओं को आहार उपलब्ध करवाने में सहायता मिलती है। दूसरा हो गया, खाद्य मानक में जितनी प्रतिदिन पशु को आहार की आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से दिया जाता है। खाद्य मानक की द्वारा पशु को प्रतिदिन आवश्यक आहार को ही दिया जाता है। तीसरा पॉइंट हो गया, खाद्य मानक के अनुसार आहार देने से पशु की नित्य क्रिया में सुधार किया जा सकता है। खाद्य मानक की सहायता से जब पशु को आहार दिया जाता है तो उसकी जो प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उनके अंदर अपन लोग वांछित बदलाव ला सकते हैं।
आगे नया पॉइंट आता है, खाद्य मानक की सहायता से पूरे वर्ष भर के चारे का निर्धारण कर सकते हैं कि अपन को अपने पशुशाला में इतने पशु हैं उनके लिए इतने चारे की 12 माह तक एक वर्ष तक इतने चारे की आवश्यकता होगी, इसलिए उसका निर्धारण अपन लोग कर सकते हैं। नया पॉइंट आता है, खाद्य मानक के आधार पर अलग अलग पशुओं को अलग अलग आहार दिया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, नवजात को कम दिया जाता है, हिपर वाले को कम दिया जाता है, ग्याबिन होता है उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो प्रसव क्रिया कंप्लीट होगी उसको अलग से दिया जाता है। इस प्रकार से खाद्य मानक की सहायता से अलग अलग पशुओं को अलग अलग आहार की मात्रा दी जाती है। खाद्य मानक की सहायता से पदार्थों को रूपांतरित करके, कहना मतलब पदार्थों को बदल कर, जैसे बात करते हैं गेहूं है उसका जो दलिया है अपन लोग दाना मिश्रण प्रसव क्रिया होने के बाद में देते हैं, कुछ लोग दलिया का आटा खिलाते हैं, कुछ लोग दलिया को पकाकर खिलाते हैं, कुछ लोग दलिया को भिगोकर खिलाते हैं, मतलब अलग अलग रूपों में तैयार करके बदल कर पशुओं को खिलाया जा सकता है। खाद्य मानक के आधार पर पशुओं को संतुलित, खाद्य मानक के आधार पर पशुओं को संतुलित आहार भी अपन लोग दे सकते हैं। कौन सा आहार दे सकते हैं? संतुलित आहार दे सकते हैं। संतुलित आहार का मतलब होता है पशुओं को दिया जाने वाला वह आहार जिसमें उसके लिए आवश्यक सभी प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में या सही अनुपात में उपस्थित हो, उसको क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो खाद्य मानक की सहायता से अगर मान लो कोई पशुपालक है या किसान है, अगर अपने पशुओं को खाद्य मानक की सहायता से अगर चारा डालता है या चारा खिलाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति उसमें भी सुधार हो जाता है, मतलब तो पशुओं से अधिक लाभ होने लग जाता है, नुकसान कम होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुपालक है वो खाद्य मानक का उपयोग नहीं करते, इस वजह से उनको आइडिया नहीं रहता कि अपन को पशु को कितना चारा खिलाना चाहिए। कई बार तो ये देखा जाता है पशु से उत्पादन कम मिलता है जबकि पशु को चारा एक्स्ट्रा खिला दिया जाता है, मतलब घर से पैसे लगाकर पशु को चारा खिला दिया जाता है, तो इस वजह से क्या है कि जो पशुपालक है वह गरीब है, वो और गरीब होता जा रहा है। इसके बाद में कुछ शब्द हैं दो चार, उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगा, जिनके बारे में अपन लोग देख सकते हैं ये अपने खाद्य मानक हो गया, खाद्य मानक के लाभ हो गए, खाद्य मानक की आवश्यकता क्यों पड़ती। आगे अपन बात करते हैं डीएम, कुछ शब्द हैं जिनका सांकेतिक रूप दे रखा है डीएम। डीएम का मतलब होता है शुष्क पदार्थ, डीएम का मतलब होता है शुष्क पदार्थ। आगे दूसरा अपना शब्द आता है सीपी, सीपी और सीपी का मतलब होता है कच्चे प्रोटीन, कच्चे प्रोटीन, प्रोटीन। आगे नया अपना शब्द आता है डीसीपी और डीसीपी का मतलब होता है पाच्य कच्चे प्रोटीन, पाच्य कच्चे प्रोटीन। अगला नया जो सांकेतिक शब्द है वो आता है TDN, TDN और TDN का मतलब होता है संपूर्ण पाच्य पदार्थ, संपूर्ण पाच्य पदार्थ या तत्व भी लिख सकते हैं भाई, तत्व। आगे नया शब्द आता है AP, AP तो AP का मतलब होता है उपलब्ध प्रोटीन, उपलब्ध प्रोटीन, उपलब्ध प्रोटीन। आगे नया शब्द आता है SE और SE का मतलब होता है स्टार्च तुलनांक, स्टार्च तुलनांक, तुलनांक। आगे इसके बाद में नया शब्द आता है DE, इसके बाद में नया शब्द आता है DE और DE का मतलब होता है पाच्य ऊर्जा, पाच्य ऊर्जा। और इसके बाद में अपना नया शब्द आता है ME और ME का मतलब होता है उपापचयी, उपापचयी ऊर्जा। और इसके बाद में अपना नया शब्द आता है NE और इसका मतलब होता है, NE का मतलब होता है प्राप ऊर्जा, प्राप ऊर्जा।
तो ये कुछ सांकेतिक शब्द दे रखे हैं अपने बुक के अंदर। एन ई का मतलब प्राप्य ऊर्जा, एम ई का मतलब उपापचय ऊर्जा, डी ई का मतलब प्राप्य ऊर्जा, और डी एम का मतलब शुष्क पदार्थ, सी पी का मतलब कच्चे प्रोटीन, डी सी पी का मतलब पाच्य कच्चे प्रोटीन, टी डी एन का मतलब संपूर्ण पाच्य पदार्थ या तत्व, ए पी का मतलब उपलब्ध ऊर्जा, और एस ई का मतलब स्टार्च तुलना। तो इसका मतलब ये अपने चैप्टर में कुछ सांकेतिक शब्द दे रखे थे जैसे आप लोगों से एग्जाम से पूछा जा सकता है। ए पी का मतलब क्या होता है तो उपलब्ध ऊर्जा हो गया, एस ई का मतलब क्या होता है स्टार्च तुलनाक हो गया, डी ई का मतलब क्या होता है प्राप्य ऊर्जा हो गया, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वाले चैप्टर में अपना इतना ही है। खाद्य मानक की परिभाषा, खाद्य मानक के लाभ, और लास्ट में ये सांकेतिक कुछ शब्द, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट। कल अपना आगे वाले नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।